हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं भास्कानंद जोशी ब्लॉग। तो दोस्तों, आज का जो मौसम है कुछ बदला बदला और आसमान में लग गए हैं बादल और कुछ ठंड भी बढ़ गई है। अब तो अभी सोमेश्वर मार्केट की ओर जा रहा हूं और बिना लाठी लिए आज मैं जा रहा हूं। अब देखते हैं कि होता क्या है, क्योंकि ये भी एक अनुभव है मेरे लिए। और जो मेरा वजन है आजकल कुछ हल्का हो गया, लग रहा हो गया ना 86 kg करीब का वजन है मेरा अभी। तो हमारे दद्दा आ गए हैं, सुधीर दद्दा, और हमारे वो क्या कहते हैं पीछे से दद्दा आ रहे हैं दूसरे, संजू गुरु। तो आज ये हमें सोमेश्वर मार्केट में छोड़ेंगे। मेरे साथ सोमेश्वर आ रही है। हाँ ना, ड्राइवर नहीं है दद्दा। तो दद्दा आ गए हैं, तो आइए सर। और क्या, और ये आज तो चमक है यार दद्दा के मुंह में। कलर है दद्दा के मुंह में, कसम से। ना ना उनके यार, तुम्हारे पास तो कलर चमक भेजी है। देखो दद्दा, दद्दा नमस्कार। फेशियल बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। के दर्शन फिर हुए और नए महाराज जी भी के भी दर्शन हो रहे हैं। जय हो। थोड़ा घूम आते हैं महाराज, घूम। अब हम रोड के समीप पहुंच चुके हैं और हमारे दद्दा कह रहे हैं कि अब कुछ गर्मी होगी। होगी दद्दा, तो आप हमें सोमेश्वर तो छोड़ेंगे? छोड़ना पड़ेगा यार। गजब, ये देखो प्रेम है, ये कह रहे हैं कि छोड़ना पड़ेगा। इसमें कोई भाईबंदी नहीं है भाई। तो भाईबंदी नहीं, ये कह रहे हैं कि हम अब हम सोमेश्वर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो दादा गाड़ी घुमा रहे हैं अभी ये है। और सामने आजकल जो यहाँ पर टैक्सी स्टैंड बनने वाला है, उसकी कुछ लकड़ियाँ काटी जा रही हैं और लोग यहाँ से लकड़ियाँ भी ले जा रहे हैं। और जो गिल्टे हैं वो जाएंगे निगम की ओर। सफर तय शुरू हो गया है और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ काम चल रहा लग रहा है। आगे आजकल रोडों के भी काम चल रहे हैं, कहीं पर कलमट निर्माण। और यहाँ पर देखिए, जो पहाड़ की औरतें होती है ना, ये बड़ी कर्मठ होती हैं। ये देखिए, ये सब लकड़ियाँ लेने जा रही हैं। तो सुबह भोजन पानी किया और उसके बाद निकल पड़े अपने नित्य कर्म में। नित्य कर्म ही हुआ है अभी, क्योंकि ये यहाँ मॉल, शॉपिंग मॉल आदि ऐसी वो मार्केट में जाते जाने की तो होती नहीं है। तो कुछ ना कुछ घर का काम जरूरी होता है, क्यों दद्दा? दद्दा तो हमारे जुगलदा के भी दर्शन हो गए हैं और ये भी मार्केट जा रहे हैं। आज पार्टी दद्दा आप ही की रहेगी? हाँ हाँ हाँ। ये देखिए, कोई कमी नहीं क्योंकि दद्दा ऐसे ही बस। और आनंद हो ना। अभी हम सोमेश्वर के कुछ समीप ठुल देवता के मंदिर के समीप पहुँच गए हैं। और यहाँ पर ठुल देवता का ये मंदिर है यहाँ पर, और सोमेश्वर शुरू। देखो आगे, देखो जो बादल दिख रहे हैं, देखो कितना सुंदर व्यू बनाया यार उसका भी। सोमेश्वर वैली आ गया है। तो और ये लोग सब्जियां भी लेके आ रहे हैं, हरी हरी सब्जियां। और देखो मार्केट में चहल पहल शुरू होगी, मार्केट शुरू। ये देखे कितनी ऊंची ऊंची इमारतें, गगन चुंबी दिख रही है यहाँ भी। अब सोमेश्वर विकसित हो गया है, पहले विकासशील था, विकसित हो गया है, क्यों दादा? और उसमें अमेरिका चाइना जापान को ये पीछे छोड़ने के श्रेणी में आ गया है। हाँ, कगार में आ रहा। देखिए यहाँ जो राइडर भी होते हैं, देखो पूरी कैसी वो दिख रही है, एकदम जगह नहीं है सोमेश्वर में ये। क्यों और जुगल सब बढ़िया हो रहा है? और अब हम मेन चौराहे में पहुंच गए हैं, मंगल मंदिर जाएंगे। अब हम यहाँ बाहर ही बैठ रहेंगे, हमारे भाई साहब हमको यहीं पर छोड़ देंगे और उसके बाद हम आगे का सफर मंगल अंगड़ाई करेंगे ना दादा। बहुत बहुत धन्यवाद। सामने का व्यू देखिए, नेगी रेस्टोरेंट एंड टी स्टॉल जो है उसका भी कुछ लुक बदल गया है। और सोमेश्वर में बहुत ज्यादा चहल पहल। तो आज फिर हम अपने बिष्ट जी के दुकान में गए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, और कैसा चल रहा सर? सर चल रहा है, बहुत सही चल रहा है। सही चल रहा ना, आनंद हो रहा। तो हमने कहा घुमाते हैं यार, मिलाते हैं सर, मेले की ओर भी जाते हैं एक चक्कर। वेरी गुड। तो होके आते हैं यार, सोमेश्वर महानगर हुआ। बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। तो आज हमने लाठी छोड़ी प्रभु, लाठी छोड़ दिया, छोड़ने की कोशिश और दिखा दिया और सब आराम है। आराम ही है, नहीं है कह के क्या फायदा है? क्यों प्रिकॉशन अपनाओ। तो देखिए जो बंदर है वो गाड़ी की बुकिंग करके बैठे हैं, छत पे बैठा हुआ है एक, और एक टायर के अंदर। तो इनको भी गाड़ी की बुकिंग चाहिए। और एक दो बंदर इधर बैठे हुए हैं। हम फिर सोमेश्वर मेले में गए और अब यहाँ से मेला एक दो दिन बाद यहाँ का मेला समाप्त हो जाएगा और फिर जो ये मेला लगता है बागेश्वर में लगता है, तो फिर बागेश्वर की ओर जाएंगे मेले वाले भी।
और यहाँ पर एक तो हमारे बच्चे भी बैठ गए हैं सामने, तो आनंद आ रहा है इनको, तो खुश हैं बच्चे। तो दीक्षा दीदी कैसा लग रहा है? एकदम मना ये तो बच्चे खुश, हम भी खुश हैं। यहाँ कोलम्बस में बैठ गए हैं और इसके बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसको जेब में रख लूंगा क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचा तक ले जाते हैं। देखो और सुनाओ दीप सिंह, आनंद आ गया? आनंद अभी आएगा थोड़ी देर में। कोलम्बस की जो यहाँ की आज की झूला झूले वो आखिरी झूला है क्योंकि कल ये चलेंगे बागेश्वर में बड़े झूले। तो हमारे दीप सिंह कह रहे हैं कि अभी बागेश्वर चलेंगे, लेकिन बागेश्वर कहाँ, मेरे को तो आज बहुत डर लगी इसमें। तो यहाँ से व्यू भी बहुत सुंदर आ रहा है। कोलम्बस की यात्रा करके फिर आ गए हम और बिटिया क्या जीत थी दीक्षा की, तो थी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो इसको बहुत अभी एक बार और बैठती हूँ कहती, मैंने कहा चलो घर को, अब नहीं बेटा अब चलते हैं। अभी सामने जो यहाँ मेला लगा है उसमें लोग बहुत आ रहे हैं और साधु संत भी यहाँ नजर आ रहे हैं, तो ये साधु संतों की भी यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर बर्तन, और ये देखिए बहुत ही सुंदर जो रखे हुए हैं, ये देखिए कप भी रखे हैं, माल को ले जाए जा रहे हैं सोमेश्वर से। आज पैदल पैदल चल रहे हैं घर की ओर, सोमेश्वर से 2 किलोमीटर का। तो दोस्तों कुछ पैदल चले और उसके बाद फिर हम बस में आ गए घर को, पैदल चलने की हिम्मत नहीं आई। तो आज लाठी नहीं पकड़ी तो बहुत से लोग मिले, उन्होंने कहा लाठी हाथ में लेनी अभी जरूरी है लो, क्योंकि लचक है क्यों बेटा, तो लेना पड़ेगा लाठी। तो आप घर जाके पता चलेगा कि हाल क्या है, पाँव के दर्द कितनी हुई। शाम को ही पता चलेगा, शाम को हवा चल रही है बहुत ही सुंदर और गर्मी भी बहुत अच्छी हो रही है, और हमारे घर के और देखा जाए तो धूप अब छिपने वाली है कुछ समय तो बाद। तो बहुत ज्यादा गर्मी भी हो गई है और पहुंच गए हैं घर के समीप और घर में कोई नहीं है। कोई है बेटा? तो हमारी बिटिया जा रही आगे और ये मैं पहुंच गया हूं अपने गेट से, और थकान भी हो ही गई है आज, अच्छी खासी परेड हो गई है आज। और हमारी बिटिया कहाँ है? निधि, ओ निधि, तो निधि का भी कोई पता नहीं है, तो क्या होगा? तो गाइस बताइए कि हमारे घर वाले गए कहां? मेरी बिटिया दौड़ते हुए आ रही है घर की ओर। हाँ बेटा, बेटा इधर आओ, दौड़ के आओ। तो बेटा कह रही कुछ मंगा रखा था, लेकिन मैं उसका कुछ भी सामान लाया नहीं, उसके लिए खाने के लिए चीज लाया, और उसने मंगाया था मेकअप, लेकिन मैं लाया मालपुए। तो कान सुनने में कुछ अंतर आ गया। बेटा आपने क्या मंगाया था? बेटा मेकअप नहीं मिला, मालपुआ बन गया हो, आ जा। हम कुछ और आपके लिए हम चॉकलेट भी लाए हैं बाबू, और वो मेकअप की जगह मालपुआ आ गया, मालपुआ खाएगी? अरे बेटी आ जा, खुश भी होगी वो, तुझे क्यों नहीं, तेरे बापू को पसंद है तो तेरे को भी होगा। ये देख दीदी, देख कितनी अच्छी वो लाई तेरे लिए चॉकलेट। तो दीदी कैसा लगा आपको आज का सफर? आज का सफर बढ़िया रहा, और हाइडिल तक हम पैदल आए और उसके बाद जरा हमें घर में बैठा हुआ हूँ और आग भी सेक रहा हूँ। तो आज जो मार्केट गया था तो कुछ ज्यादा ही चलना हो गया, तो कुछ पाँव में तकलीफ का अनुभव प्रतीत हो रहा है, लेकिन घूम चलना भी जरूरी है तो कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन ये देखिए पीछे मैंने यहाँ पर आग जला रखी है और बहुत सुंदर आग जली हुई है, और इस समय आसमान आज बनने वाला है बैगन का भरता। देखिए कितना सुंदर बैगन है, और हमारी बिटिया भी खुश होगी बैगन देखिए खाएगी। तो हमारी बिटिया लागी लकड़ियां, अब यहाँ पर जो वो क्या कहते हैं चूल्हा जलेगा ना बेटा, चूल्हा, और ये एक अच्छा ठीक है, इसमें मैं बैगन भी रखता हूँ। का भुरता तैयार होने वाला है और हमने रख दिए हैं बैगन, देखिए आधा किलो से नीचे का एक नहीं है, एक किलो का एक है। तो हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि एक किलो का है, मेरे को आधा किलो ही लग रहे हैं, एक किलो है। तो बच्चे खुश हुए, बैंगन का बन गया भरता, कैसा लगा निधि? ये हम यहाँ पर बना रहे हैं बैंगन के भरते, देखिए कितनी सुंदर आग भी जली है, धुआं भी है, और बैंगन तप रहे हैं,
और ये जब ये इनमें ये पक जाएंगे तो उसके बाद हमारे भाई साहब बनाएंगे। आज बैंगन का भरता बनाने वाले यही हैं और बहुत ही लाजवाब बैंगन का भरता बनेगा आज। और दीक्षा दी कैसा लग रहा है? ये धुआं ज्यादा हो गया है। और भाई साहब यहाँ पर चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं और वो देख रहे हैं मेरे को कि ये कर क्या रहे हैं। ये देखो आग भी अच्छी जलेगी, अभी मैं फूंक मारता हूँ। गुड, जो बैगन है एकदम तैयार है, देखिए एकदम क्रिस्पी जिन्हें कहते हैं क्रिस्पी। ये देखिए ये है बैगन और एक बैगन और, तो इनका आज जो है बनेगा भरता। गाइस तो जोशी जी बना रहे हैं भरता, तो आप इसमें तो अभी बैगन कुछ कुछ छिले जा रहे हैं अभी और बहुत ही सुंदर ये है दही। और ये बना है बैगन का भरता और ये है रोटी और इसके ऊपर एक मिर्च, बहुत ही आनंददायक।